वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। एंड वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं अल्ट्रॉन के साथ। सो रिसेंटली अल्ट्रॉन कुछ स्टोरीज को अपलोड करते हुए नजर आ जाते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जहाँ पर फर्स्टली वो ये बोलते हैं, ये क्या मिल गया गैलरी में, टाइम्स व्हेन गेम वाज एट इट्स पीक बट थोड़े टाइम में बैन करके सब फ्लो खराब हुआ। एंड यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उस टाइम की, यानी कि वर्ल्ड लीग के टाइम की, जब वो GXR में थे। एंड यार उन्होंने यार काफी धाकड़ परफॉर्मेंस दिखाई थी। फर्दर वो बोलते हैं, बैक व्हेन मेरा IGL मेरे को हर गेम 300-400 गोलियां देता था। एंड यहाँ पर वो बात करते हैं सेल्स रॉक्स की। उसके बाद लास्ट के कुछ गेम्स के पहले का चार्ट था ये। एंड टॉप 10 प्लेयर्स में आप उनको #7 पर देख पा रहे होंगे। एंड वो बोलते हैं, बाय द वे जिन सबने अब 2023-2024 में अपने साथ बकचोदी करी है, इस टाइम पर पापा बोलते थे सारे वही लोग। बाकी में वीडियो में आगे बैठे तो हम बात करने वाले गॉबलिन के बैन के बारे में। एंड यहाँ पर हार्ट्स को भी कंसर्न रेज करते हुए नजर आ जाते हैं। अ 7-day बैन ऑन रीओन्ड ई-स्पोर्ट्स प्लेयर गॉबलिन रेज सीरियस कंसर्न अबाउट ई-स्पोर्ट्स क्राफ्ट एंड एंटी चीट सिस्टम, बिकॉज गॉबलिन ने क्लेम करा है कि उनकी ID अंडर इंस्पेक्शन है। स्टिल यार वो बैन शो कर रही है, ये बैन है या फिर एक इंस्पेक्शन है? Because the system seems unreliable if even top players face unclear penalties. I know, पता है कि Goblin भी काफी ज्यादा परेशान है उनकी ID ban वाली है, जो भी scene चल रहा है उस चीज को लेकर के। बाकी Hector यहाँ पर Goblin की ID ban के ऊपर react करते हुए नजर आ जाते हैं, because कुछ लोग तो fun में बोल रहे हैं कि Goblin ने hack use करा है, वहीं कुछ लोग सच में ऐसा सोच के चल रहे हैं। Then Hector reply देते हुए नजर आ जाते हैं। Goblin का क्या scene? किसका क्या scene है भाई? वो Hector है Goblin हमारी टीम से भाई। हमें बोलते हुए बस निंदा है, बट पता नहीं क्यों हैक कर रहा है। ट्राई करना था, दो बार ID, तीसरी बार ID बैन करवा दिया। क्या बोलो, क्या किया जाएगा इस, क्या किया जाएगा अपनी सब बताओ, क्या उसे निकाला जाए या उसे रखा जाए? इस पावर फिर मान्या के साथ जाएगा क्यों? हाँ भाई इस पावर जाने वाला है। सबकी अपडेट देता हूँ तुम्हें, सबकी आ जाना अपन 2-3 घंटा स्ट्रीम करेगा, सारी अपडेट तुम्हें दिया, वो टेंशन कर दो सारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है टीम में, सब सब बता दूंगा। साल से भी ज्यादा हो चुका है। एंड अप्रोक्स आई गेस 2 साल होने को होगा, मतलब शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। एंड कब तक यार आखिर कोई उम्मीद में रहे। बाकी वही मिस्टर टॉम बॉय, यानी कि गॉडल टॉम बॉय, जिन्होंने यार इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करा ई फुटबॉल एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में बैंकॉक में, वो ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम कर चुके हैं फॉर इंडिया फॉर गॉड लाइक। एंड ये बहुत प्यारी न्यूज है। बाकी ब्लेजी यहाँ पर एक स्टोरी अपलोड करते हैं, केम अक्रॉस अ फ्यू थिंग्स व्हाइल क्लीनिंग अप। एंड आप सभी जर्सीज देख पा रहे होंगे जिनका भी वो पार्ट रहे हैं। बाकी मैं वीडियो में आगे बैठे थे, स्काउट रिसेंटली पटना गए थे ई स्पोर्ट्स को लेकर के, जो भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे उसमें वो पार्ट बने थे। एंड उनको एंड बिहार को यहाँ पर न्यूज़पेपर में फीचर किया गया है। राज्य ई स्पोर्ट्स में पटना के खिलाड़ियों का रहा जलवा। एंड यहाँ पर एक इंटरव्यू भी उनका हुआ था, जहाँ पर वो बात करते हैं ई स्पोर्ट्स ग्रोथ के बारे में। एंड वो बोलते हैं डेफिनेटली ई स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम में वो और ज्यादा ग्रो करेगा। बाकी रिसेंटली सेंसे जब लाइव होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या RNT में कभी कोई फिजिकल फाइट हुई है, देन सेंसेस के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि यप कोई फाइट हुई है या फिर नहीं हुई है। ड्रीम टीम में फिजिकल फाइट हुई थी ना? सही आंसर, पागल है क्या? आज तक मेरे गेम पे रूल है कि भाई गेम में कितना कुछ हो, मैं गुस्से में किसी को टच नहीं करता। गेम में नहीं, गेम के बाहर। ना ना, गेम के बाहर ना, किसी की नहीं हुई थी। बूट कैंप के बाहर? हां बूट कैंप के बाहर, और होती तो मतलब पता लग जाता ना सब लोगों को तभी बात। अगर फॉर एग्जांपल ये TX में, ठीक है, किसने सबने गुस्से में आके दिमाग लगाता है, नहीं वो स्प्रे को कूट दिया, तो एक दिन में बात बाहर नहीं आ जाएगी, हर किसी आ जाएगी, तो फिर बच्चे थोड़े ना। बट ये स्प्रे है, पॉइंट ठीक है गाइस, नहीं हुई थी कोई फाइट, कोई फाइट नहीं थी गाइस, फिजिकल फाइट नो फिजिकल। रात को गाइस एरा हेड मैनेजर एरा नील स्टार, इससे पूछ लो कितने फिजिकल फाइट हुए थे। एक बार भी नहीं हुई फिजिकल फाइट, होते तो और तुरंत निकाल देती है ब्रो, बकचोदी नहीं है, बच्चे नहीं है यहाँ पे जो फिजिकल फाइट। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो पंक यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं गॉड लाइक के बारे में। बेसिकली गॉड लाइक की करंट परफॉर्मेंस, क्या वो अप टू मार्क खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, क्या वो पीछे रह गए हैं, एंड वो बूट कैंप क्यों नहीं जा रहे, कब जाने वाले हैं, सभी चीजों के बारे में वो ऑल इन ऑल रिप्लाई देते हैं। पंक से IGLing सिखा दो। पंक, अच्छा पंक सा बोल रहे हो क्या? IGLing यार मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब परफेक्ट नहीं बना हूँ अभी, मेरे को बहुत प्रूव करना है, तो मैं भी लगा हूँ, अपने लोंडे भी लगे हुए हैं। बाकी गाइज हम लोग जब टाइम मिलता है ना, अभी डिसीजन यही लेगा कि खेलेंगे तो चारों साथ में खेलेंगे, वरना क्लासिक वगैरह खेलेंगे अपना अपना, क्योंकि थोड़ा हो जाता है सिनर्जी वगैरह का इशू, तो अभी डिसीजन वगैरह हमने 4-5 दिन पहले लिया था कि अगर कोई है नहीं खेलने को और 2-man 3-man खेल के वाला, वो प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस है 4-man खेल के ही एक अच्छा आउटपुट निकलेगा, तो अभी वही डिसाइड किया और वही खेलेंगे ढंग से। भाई परफॉर्मेंस को क्या हो गया यार, उतार चढ़ाव तो देखा, एक जिंदगी का है यार वो।
एक दिन अच्छा खेलेंगे एक दिन बुरा, बट ऐसे टिके रहेंगे, ऐसे नहीं कि एक दो हम आउट ऑफ द लीग ही चल जाए, बस वो लीग में रहना है, अच्छे से खेलना है। बूट कैंप कब जाएगा भाई? एक मंथ के लिए तो चले जा गाइस। बूट कैंप यार मेरे जाने का मन है, बट मेरी बात हुई नहीं है अमर भाई से, ऑलमोस्ट एक या दो वीक हो गया, तो एक बार के लिए मेरा थोड़ा क्लियर हो जाता है मतलब बात वगैरह, तो मैं चला भी जाऊँ। तब तक मैं तो इधर ही हूँ मतलब घर वालों के साथ। यार तो क्या है, मेरे घर पे मम्मी पापा दोनों ड्यूटी करते हो, समझ रहे हो, थोड़ा घर का ध्यान वगैरह, मम्मी को ऑफिस में छोड़ के आओ लेके आओ, तो उसमें थोड़ा यार टाइम चला जाता है अभी। और ये चीज़ ऐसे है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता अभी, मैं जाके, क्योंकि अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है अपने, समझ रहे हो, अभी एक अपना लैन है, देन स्काई का लैन आने में टाइम है, हेयर स्टाइल वापस चेंज, ये स्टाइल बनाया नहीं, हेयर स्टाइल मैंने बालों को सीधे आगे कर दिया है। अबे नूप तेरे को तो पता ही भाई, हालत ख़राब है तेरे भाई की, छोड़ो भाई। गैस मेरे को कम से कम 6 दिन हो गए, 6 दिन भी नहीं, ज़्यादा हो गए, 1 वीक से ज़्यादा हो गए। हाँ बहुत हालत ख़राब थी मेरी, अभी जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ हूँ मैं। 1 ऑटोग्राफ इन लैंड प्लीज़, ज़रूर देंगे यार, कोशिश करेंगे, पहले अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बाद ऑटोग्राफ देंगे, अच्छे से परफॉर्म करना है। बाकी गाइस कम बैक कैसे लगा भाई तुम्हें रेड बुल में? वो थोड़ा सा चौकोज हो गया था हमसे, क्योंकि हमारा काम ही है कि अच्छे से ना खेलना स्टार्टिंग में, उसके बाद में अच्छे से खेलना, बट फिर भी चलो थोड़ा ट्राई कर करके रिकवर कर लिया, एंड आई थिंक टॉप 5 में एंड किया सेकेंड डे पे, एंड आई होप कि यही फ्लो को कंटिन्यू रख के फाइनल्स भी ट्राई करेंगे मतलब पूरा जीतने का। जीते नहीं फिर भी एक ऐसा वो रहना चाहिए कि हाँ भाई आखिर तक अपना बेस्ट दिया है, खत्म। देखो ट्रॉफी तो सबका मेन एम रहता ही है, बट ट्रॉफी नहीं आई तो उसके अलावा भी होना चाहिए कि अपन ने अपना बेस्ट दिया, कोई रिग्रेट नहीं, खत्म भाई। मैच थ्रो करते बहुत मैच थ्रो करते हो, हाँ यार वो तो है, वो थोड़ा गाइस हमारे बंदे तो यार मेरे में भी थोड़ा चूल हो जाती कि एक दो बंदे मार देते हैं एकदम खतरनाक वाले, तो ऐसा होता है अब तो मार घुस घुस के, अभी चिकन जाए हाड़ में, अभी मारो घुस घुस के, और उसके चक्कर में हम कर देते ओवर कमिट। ओवर कमिट से नाम याद है अपने सिम का, वो तो है ही, आजकल हम सब भी बने जा रहे हैं सब साथ साथ में। बाकी ई स्पोर्ट्स कितना ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब ई स्पोर्ट्स का मार्केट कितना ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है, उसके बारे में सरदार जी वाईटी बात करते हैं, एंड यहाँ पर वो एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझाते हुए नजर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं जॉनसन का। सोच के देखो विकास भाई, क्या पिक करते हो, 4 साल का करियर या लाइफ टाइम? आपका आइडल कौन है विकास भाई गेमिंग से, बताओ। मैं आपको अभी समझा दूंगा क्यों आपको ई स्पोर्ट्स में आना चाहिए, एंड रियलिटी चेक दूंगा तुम्हें, अपना आइडल बताओ जॉनसन। अब आप बताओ जॉनसन जैसे और कितने लोग हैं, बता दो जॉनसन जैसे और कितने लोग हैं, मुझे नाम गिना दो थोड़ा सा, 0। तब समझ आया आपको कि जो आपका आइडल है, आपके आइडल के जैसे भी लोग नहीं है, तो आप खुद कैसे सोच सकते हो कि आप भी उस लेवल तक जाओगे? सोच के देखो एक बार, समझो, समझ रहे हो, जब वैसा ही एक बंदा है और कितनी आबादी है इंडिया में, तब एक बंदा वैसा निकला है, तो आप सोच के देखो कितने और वैसे निकल पाएंगे। अपना सैचुरेशन समझो पहले कि कैसे क्या है, मार्केट का लेवल समझो कि 1000 लोग एग्जाम बैठे तो कितने लोग पास होंगे, कितने लोग निकले, कितने लोग टॉप करेंगे, समझो पहले, कोई नहीं तो फिर वही बात है ना, समझो फिर। जब आपको पता है कि आपके आइडल ऐसा कोई और नहीं है, दैट मींस कि या तो उसने बहुत घिसी है, अपने ने बहुत घिसी है, क्या आप उतना घिस पाओगे? उसको हेड ही मिली है, क्या आप उतनी हेड लेके भी अपना काम से काम रख पाओगे बिना गाली गलौज के, बिना चुपचाप अपने काम से काम रखे? थिंक अबाउट इट कि लोगों को जॉनसन दिखता है कि जॉनसन इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, तो लोगों को ये दिखेगा कि भैंस जो पीछे कितनी मेहनत की है उस बंदे ने, तो अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फॉर श्योर आप जॉनसन, क्या जॉनसन से बड़े बन सकते हो, उतनी मेहनत करो, बट सोचो क्या आप उतनी मेहनत, उतना टाइम, उतना पैशन दे सकते हो, नहीं तो मत आओ, क्लियर कह रहा हूं। यार कोई तो जॉनसन से बड़ा बनेगा, जैसे सचिन से विराट आया, बनेगा फॉर श्योर बनेगा, बट भाई जैसे विराट ने जिस लेवल पे मेहनत की है, उस लेवल पे मेहनत लौंडे कर रहे हैं, तब बन जाएगा जॉनसन से बड़ा। अभी तक तो मुझे उस लेवल के मेहनत वाले कम ही, मैं नहीं बोलूंगा नहीं दिखे, बट दिखे हैं प्लेयर, बट कम दिखे हैं। देयर आर प्लेयर्स जो उस लेवल की मेहनत करते हैं, जॉनसन से बड़ा प्लेयर ट्रेस वर्ड बनेगा, अभी तो नहीं बना, बनेगा तो देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी अगर मैं बोल दूंगा जॉनसन से बड़ा हो गया, ये हो गया, नहीं भाई ये तो फिर ओवर हाइपिंग है, बस फॉर श्योर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है भाई, होगा होगा। हर एरा में एक क्रेजी बंदा आता है, हर एरा में, बट दिक्कत ये कि जॉनसन का खत्म ही नहीं हो रहा है ना। बाकी खैर इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूं मैं तो आप सभी वीडियो में, साइनिंग ऑफ।